अध्यक्ष वाणी ने बाबा ने बोला कि प्रिंसिपल बनकर अभ्यास करना है। अध्यक्ष वाणी ने बाबा ने बोला कि रिश्ता बनकर और क्या आया आया के दुनिया वालों से रिश्ते जोड़ करके ऐसे हट करना है, है? अरे संबंध जोड़ने का टाइम चल रहा है, रिश्ते जोड़ने का टाइम चल रहा है या तोड़ने का टाइम चल रहा है? तोड़ने का चल रहा है। और तोड़ने के टाइम पर कोई जोड़ना शुरू कर दे तो घाटे में जाएगा या फायदे में जाएगा? बात आई बात है। काली की जो मूर्ति बनाते हैं, काली की मूर्ति बनाते हैं, बार वाले ने पूछा है कि अपने सवाई की कोठी की मिट्टी मिलाते सब फूल क्या मिलाते दुर्गा की मूर्ति में लगाते हैं ना, दुर्गा की मूर्ति, दुर्गा की मूर्ति बनाते हैं। कभी काली की बात करते हो, कभी दुर्गा की बात करते हो? काली की मूर्ति बनाते तो कोटे की मिट्टी मिलाते हैं तब पूरी बनती है। कहीं की मिट्टी अच्छा वैश्याओं के कोठे की मिट्टी मिलाते हैं। उसने ऐसा पार्ट बजाया होगा इसलिए ऐसा भक्ति मार्ग में दिखाया गया। भक्ति मार्ग में जो भी क्रियाकर्म दिखाते हैं, जो भी चरण दिखाते हैं, जो भी परंपराएं दिखाते हैं, वो कहाँ की यादगार है? है? संगम की यादगार है। तो संगम युग में ऐसा पार्ट बजाया होगा। और बाबा प्रजापिता के सहयोगी आत्माएं वापस देना जाय करते हैं या फिर केवल सहयोग देने के लिए? राजा मक्ती से रानियों के साथ रनिवास में रहता है, घंटे दो घंटे दरबार में बैठता है। बैठता है ना? बैठता कि नहीं? यहाँ क्यों नहीं करते? बैठता है। बाकी 23 घंटे राज्य किसका चलता है? मंत्रियों का, महामंत्रियों का, सेनापति का या राजा? राजा का कहा जाता है लेकिन करता कौन है? मंत्री करते हैं, महामंत्री करते हैं, सेनापति करते हैं। तो राज्याधिकारी जो है वो भी राजा ही का सुख भोगते हैं, प्रजा नहीं भोगती है उतना। इसलिए विश्व का मालकाना जब मिलता है, विश्व की बात कही मिलती है, तो अकेले एक ही सारा काम कर लेगा क्या? करेगा नहीं। उसके संगी साथी चाहिए, उसकी पूरी राजधानी चाहिए, राज्य अधिकारी चाहिए। राज्य अधिकारियों में कोई छोटा, कोई कोई बड़ा? फाउंडेशन कहाँ लगता है? जो अभी करेगा तो वहां भरेगा, अभी नहीं करेगा तो वहां भरेगा भी नहीं। बाबा आज मुरली में कहा है कि ब्रह्मा चला जाएगा तो बाप भी चला जाएगा, तो वर्तमान समय अनुसार अव्यक्त की बात है या फिर गुप्त होने की बात है? ब्रह्मा एक है या अनेक है? अनेक। ब्रह्मा तो अनेक है। अब मुख्य बात है प्रजापिता ब्रह्मा की। तो प्रजापिता ब्रह्मा क्या चला जाएगा कहीं? वो तो अंत तक प्रजा के साथ ही रहेगा, प्रजा के साथ ही रहना है। जब तक 500-700 करोड़ की प्रजा है तब तक प्रजापिता को इस शक्ति पर ही रहना है। तो कहाँ चला जाएगा समझने की बात है, गुप्त हो जाएगा या कहीं हो जाएगा? गुप्त हो सकता है लेकिन कहीं चले जाने की बात नहीं है। बाबा जो बच्चे भक्ति करने के बाद पहली बार बाबा से मिलते
जाते हैं, वो क्लास में बैठते हैं तो दृष्टि नहीं लिख पाते, मतलब लेट हो जाते हैं, तो उनको दृष्टि करनी है। जब तक संगम युवा है तब तक सोते रहे, फिर अगले जन्म दृष्टि मिल जाएगी। याद करने से फायदा होता है, दृष्टि से फायदा होगा। अच्छा बताओ, दृष्टि से फायदा होगा या याद से फायदा होगा? याद से फायदा होगा, दृष्टि क्या जरूरत है? आवाज सुख मिलता है, वो कहते हैं हमें अनुभव नहीं होता। पहले बार आए होंगे ना, आज पहले बार आए ना। हाँ, लेट हो गया तो ले नहीं पाई। तो गलती किसकी है? शिव बाबा कितना लंबा रास्ता तय करके आता है। हाँ, दोबारा देते नहीं है, दोबारा अभी दोबारा नहीं आएंगे, मार देंगे। कैसी बात? अरे हम आपकी बात कर रहे हैं, यज्ञ के आज में भी जो गुम कर दिया था, लाश भी गुम हो गई। हाँ, राजयोग की सिद्धि 4.5 लाख नहीं करेंगे। राजयोग जो है वो राजाई प्राप्त कराने के लिए है या प्रजा बनाने के लिए है? तो सिद्धि का हुई, जो भी राजा बनते हैं वो राजा बाप नहीं बनेगा है? अपने परिवार का बाप बनेगा, तो बाप अपने परिवार के छोटे से छोटे भांती को अपने समान ही नहीं, अपने से अच्छा सुख देना चाहता है या दुखी देखना चाहता है? तो जो 16108 का राज परिवार है, समर्पित वर्ग है, सरेंडर्ड वर्ग है, दुनियादारी छोड़ छाड़ करके बाप के बनते हैं, चलो आज नहीं बन पाते हैं कल बन जाएंगे, वो बाप के संपूर्ण समर्पित बच्चे नहीं है बोध के, उनको सुख नहीं देखना चाहता है, देखना चाहता। तो इसलिए जो राज्य अधिकारी बनते हैं वो 16,000 की लिस्ट में भी हर जन्म नहीं आएंगे तो कोई जन्म में तो आएंगे। तो जो 16108 राज परिवार के अधिकारी हैं, राज्य अधिकारी बनने वाले हैं, वो सब लक्ष्य सिद्धि करते हैं। कौन सी? राजयोग की। राजयोग नंबर वन एक जैसे होंगे क्या? नंबर वन होंगे तो फिर जो जैसे नंबर वार होंगे वैसे ही सिद्धि होगी। एक एक है लंबे समय का पुरुषार्थ, लंबे समय की सिद्धि प्राप्त की, और एक ने थोड़े समय की सिद्धि प्राप्त की, तो प्राप्ति में अंतर नहीं पड़ेगा, अंतर पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, और अगर लाश भी गुम कर दी ये किस बात के लिए है? लाश भी गुम कर दी ये किस बात के लिए? तो बात के लिए लाश किसकी गुम की जाती है? हैं? लाश जैसे मिट्टी को कहा गया है, मिट्टी को लाश कहा गया है, उसमें आत्मा नहीं होती कभी? कभी आत्मा थी या नहीं?
आत्मा निकलने के बाद जो मिट्टी बची उसको लाश बोलता बोला जाता है। हाँ आत्मा निकल गई तो लाश बच गई, वो लाश भी गुम कर दी। और ध्यान भक्ति वैराग्य बोला है, भक्ति आती है कि ध्यान किसी वैराग्य होता है। लास्ट स्टेज कौन सी है? जो लास्ट है वो ऊंचा है, जो फर्स्ट है वो ऊंचा है, लास्ट स्टेज ऊंची है। तो यदि के आज मैं पहले पहले वैरागी बन के कौन चल गया चला गया फर्स्ट स्टेज प्राप्त कर ली। बाप तो बाबा जी जैसा था, है बाप के अंदर है ना, बाप तो बाप बोला कि सारे बच्चे सारे, लेकिन कहते नहीं कि बाप कोई काटदारी तो होना चाहिए ना। बाप में तो सारे गुण है, बाप में तो भी तो बच्चों में नंबर बार पूरे अव्वल नंबर बाबा है जरा पाठ बता तो दिया। यज्ञ में पहले पहले बैरागी कौन हुआ? तो सर नंबर बार भी और भी होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे। नंबर वार बैरागी बनते हैं, नंबर वार परम नामवासी बनते हैं, नंबर वार नष्टोमोहा युति लब्धा बनते हैं। जो नष्टोमोहा युति लब्धा बनने में नंबर वार है, वो इसे प्राप्ति करने में भी नंबर वार। जैसे परिवार में हम ज्ञान में चल रहे हैं, जैसे ज्ञान में चल रहे हैं हम, तो लोग इस पिता ज्ञान में ही चल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भैया मैं एक ही होगा कि बाबा में भगवान प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिव में आप में भगवान प्रवेश कर रहे हैं, आप शिव बाबा बोल रहे, तो बोले अब मैं भी चलूंगा। लेकिन उस जिस दिन उन्होंने आना था उस दिन से रेट फोन दिया, तो क्या वो आगे दिन हम लेंगे तो उनके अंदर संकल्प का बीज पड़ गया या नहीं पड़ गया? जब संकल्प का बीज पड़ गया तो वो बीज तो बड़ा होगा या छोटा होगा? बढ़ता ही जाएगा, क्यों नहीं आएंगे? लास्ट समय में जिसको अच्छा संकल्प आ जाए तो अंत मत सुगति होती। थोड़ा भी सुनेंगे ज्ञान, थोड़ा भी सुनेंगे वो स्वर्ग में आ जाएंगे। बाबा 100% स्वर्ग की बात करते हैं, संगम भी स्वर्ग की बात करते हैं, या बाद वाले स्वर्ग की बात करते हैं अगले जन्मों की? बाबा हमको लक्ष्य कौन से जन्म के स्वर्ग का देते हैं? स्वर्ग का लक्ष्य देते हैं। आपको जवाब मिला क्या? क्योंकि किससे सुनेगी? ब्राह्मण परिवार से सुनेगी तो आ जाएंगी। नहीं, ज्ञान सिर्फ बाप ही सुनाता है, दूसरे जो कुछ सुनाते हैं उसमें कुछ ना कुछ मिक्स कर देते हैं। ये घड़ा है, इस घड़े में दूध भरा हुआ हो, एक बूंद सांप का विष मिल गया तो सारा क्या हो जाएगा? विष ही हो जाता है। दूसरों से सुना तो गारंटी नहीं है। स्वर्णिम संगम की स्वर्ग में आने की, अगर बाप से सुना दो शब्द भी सुने सन्मुख आकर, एक होता है अंदर का सन्मुख और एक होता है बाहर का सन्मुख, तो दोनों प्रकार का सन्मुख या एक प्रकार का सन्मुख? दोनों प्रकार का सन्मुख। अंदर से भी सन्मुख हो, विरोधी संकल्प चलाने वाला ना हो, और बाहर से भी सन्मुख हो, तो ऐसे तन्मुख आकर जो दो शब्द भी बाप से सुनते हैं वो स्वर्ग में क्यों नहीं आवेंगे?
अब गिनती कला के स्वर्ग में नहीं, कौन से स्वर्ग में? चर्ची कला। हाँ, जो संपन्न स्टेज का स्वर्ग है उसमें जरूर आवेंगे। पापा जी को तो वीसीडी में देखा हो और फिर बाद में शरीर छोड़ दिया हो, संकल्प तो पड़ गया ना, उसमें भी भावना देखी जाती है। वीसीडी में देखी हुई मुरली वो भी तो सेकंड क्लास मुरली है या नहीं है? कागज में पड़ी हुई मुरली थर्ड क्लास और टेप रिकॉर्डर से सुनी हुई है सेकंड क्लास, और टेप रिकॉर्डर के मुकाबले जो टीवी में देखी जाती है उसमें हाव भाव और दृष्टि भी मिल जाती है, तो गुड सेकंड क्लास हुई कि नहीं? तो अगर टीवी देख करके वीसीडी देख करके उन्होंने शरीर छोड़ा और अंदर से उनकी भावना भी अच्छी है, टीवी देख तो ली अंदर से हराम ज्यादा भगवान आ गया अंदर से ऐसा भाव आ गया तो नहीं, तो आप जाने हैं बच्ची नहीं की है तो प्रैक्टिकल में बच्चा नहीं बना, बीज तो पड़ गया ना ज्ञान का है, बीज ज्ञान का पड़ गया तो अगला जन्म लेगा तो बच्ची कर लेगा। उसका पति अत्रि बता रहे हैं, लेकिन जब ये बताते हैं कि विजय माला के मन के बनेंगे तो लक्ष्मी जो है वो प्रजापिता की संगिनी होगी और जो अनुसुया माता की योगिनी उसका मन का बनेगा और विजय माला जो आंधी की बहन है उनके साथ है, तो लेकिन बाबा वो अत्रि तो श्रेष्ठ था ना तीनों देवों से, अत्रि श्रेष्ठ था उसकी पत्नी थी अत्री का मतलब नहीं समझा इसका मतलब, अत्री का मतलब तो शिव है, शिव भगवान तीनों देव के ऊपर, तीनों देव के ऊपर तीनों देव में से कोई नहीं ना, इनसे ऊपर तीनों देवों में से कोई नहीं अत्री। हाँ बाबा आपने बोला कि स्त्री में तो आगे तीनों देव, स्त्री माने स्त्री देव, हाँ तीनों देवों में से कोई देव नहीं, लेकिन तीनों देवों से भी अलग है उसका पति जो है वो तीनों देवों से अलग है, अलग थलग, तो कौन सा हुआ? जो तीनों देव नहीं है। अच्छा तीसरा देव प्रत्यक्ष कब होता है? हैं? प्रत्यक्ष होता है कि नहीं? तीनों देवों में से जो तीसरा देव है महादेव जिसे कहा जाता है वो प्रत्यक्ष होता है या नहीं होता है? कब होता है? 76 में प्रत्यक्ष होता है, लेकिन 76 में जब प्रत्यक्ष होता है उसकी प्रत्यक्षता से पहले अत्रि है या नहीं है? हैं? हाँ वो कौन है? वो गर्भ में है तो बुद्ध रूपी पेट ही तो है गर्भ, वो कौन सा बुद्ध रूपी पेट गर्भ है? हाँ वो शंकर नहीं है, उस समय निराकारी स्टेज है, सिर्फ साकार को पहचानने वाला नहीं है। 76 से पहले राम वाली आत्मा साकार को और निराकार के मेल को पहचानती थी नहीं? लेकिन शिव बाबा तो था उस समय या नहीं था? हाँ। शिव बाबा उस समय भी था। हाँ? सूर्य उगता हुआ दिखाई दिया हाँ? देवी मूर्ति हाँ? और देवी मूर्ति डूब रही है हाँ?
और वहाँ लिखा है जय गंगा मैया। हाँ, जय गंगा मैया का अर्थ क्या है? जय गंगा मैया का मतलब ये है कि गंगा की मूर्ति बनाई, उसकी पूजा की, और पूजा करके सारा तन, सारा धन, सारा मन गैया गंगा मैया को अर्पण किया है। अर्पण करने के बाद लास्ट में जब भगवान प्रत्यक्ष हुआ तब पता चला, अरे ये मैया और ये गंगा और ये देवी, ऐसा सब सत्यानाशी निकली। इस देवियों के साथ हमने जो असली देवता है उसको तो पहचाना ही नहीं। एक सत्या और बाकी सारी दुनिया झूठ की साबित हो गई। तो फिर उनको डुबोना शुरू कर देते, जैसे बेसिक में यहाँ तो सब एडवांस वाले बैठे हैं, जो भी बेसिक में चल रहे थे पहले हम तो डुबो क्या है, तो देवियों की पूजा कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? कर रहे। फिर बाद में जब एडवांस में आ गए, बाप का पता चल गया, तो उन देवियों की पूजा करते रहे या उनको सच्चे ज्ञान जल में डुबो दिया है? डुबो दिया, डुबो दिया। जो जय करते हैं तो भगत है ना, वो भगवान को नहीं पहचाना है तब तक ही तो भगत है। हाँ, हाँ? जो जो भगवान का बच्चा है वो किसी का अपमान करेगा है? नहीं करेगा। अगर अपमान करेगा तो भगवान का बच्चा नहीं है। ज्ञानी का मतलब ये नहीं है किसी को दुख देना, किसी को अपमान करना। ज्ञानी का मतलब भगवान का जो ज्ञान धन है वो दूसरों को सुख देने के लिए है या दुख देने के लिए, अपमान करने के लिए? काहे के लिए? सुख देने के लिए। तो डुबोया तो, और डुबोने के साथ साथ जिसको डुबो रहे हैं उसी की जय कर रहे हैं, माने भगवान को नहीं पहचाना। भगवान को नहीं पहचाना इसलिए डुबो रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, और न पहचानने के कारण ही फैसला नहीं कर पाते हैं कि ब्रह्मा कुमारी सच्ची या प्रजापिता ब्रह्मा कुमार सच्ची। फिर दोनों तरफ टांग रखते रहते हैं। और बाबा तो भगत है। से प्यार लेना है? नहीं, नहीं क्या? आप पकड़े गए आप। आपने अभी से ही फैसला कर लिया कि हम एनएस वालों से प्यार करेंगे। यहाँ काहे के लिए आते हैं? एनएस वाले दिखाई पड़ते हैं तब तो आते हैं, या दिखाई नहीं पड़ते हैं नई दुनिया में जाने वाले तो आते हैं? है? दिखाई पड़ते हैं तब तो आते हैं, नहीं दिखाई पड़ते है? हाँ पढ़ते। और वैरायटी जा रहे हैं वहीं से बाबा दो डाली होती है ना, जिसके द्वारा डेथ वाली डाली और अदिति द्वारा पहला बच्चा वाला पूरा वाला फल कौन दो डाली से पैदा हुए और अदिति से देवता पैदा हुए।
तो जो दैत्य पैदा हुए हैं वो राक्षसी स्वभाव के होते हैं, और अदिति से जो अद्वैत पैदा हुए हैं वो दैवी स्वभाव के होते हैं। कश्यप उसका पति है दोनों का। कौन? कश्यप। क्या पीने वाला? पा माने पीने वाला, काश्य माने तेज, याद का तेज पीने वाला पति है। पत्नियां दो है, एक दिति माने खंडित। क्या क्या खंडित? प्यारी खंडित हो गई, और दूसरी आदिति जिसकी पवित्रता खंडित नहीं हुई। तो फिर जैसी माता होगी वैसी पैदाइश भी होगी। बीज एक होता है, वही आलू का बीज उत्तर भारत में बना हुआ आलू बहुत अच्छा माना जाता है, मरीजों को भी खिलाते हैं, और वही आलू दक्षिण भारत में पैदा होता है, कोई खाना ही पसंद नहीं करता, कहते बहुत गैस होती है। ये अंतर क्यों पड़ गया? डरने का अंतर पड़ गया। तुम पत्तों में क्यों जा रहे हो? बीज में सब कुछ समाया हुआ है, बीजों में। क्या बीजों में भी दो दो प्रकार के बीज होते हैं। एक बीज वो होता है जिसमें एक ही दाना होता है, और एक बीज डबल वो होता है जो डबल होता है, शुरुआत से ही डबल होता है। डबल होता है लेकिन एक के साथ जुड़ा हुआ, जिसे कहते हैं नाप। वो प्रवृत्ति मार्ग का बीज है और वो निवृत्ति मार्ग है। हैं? सिंगल दाने वाले निवृत्ति मार्ग क्यों होंगे? तो ये अंतर पड़ जाता है। जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं वो सब राक्षसी हो गए, तुम सिमार के पक्के हैं, मुझे बताओ। बाप आकर के पक्का प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं। रावण क्या कर लेता है? निवृत्ति मार्ग स्थापन कर देता है, या तो अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग बना देता है। ये दिति और आदिति का अंतर पड़ जाता है। और माताएं जो ज्यादा दुख सहन कर रही है आखिरी जन्म में आकर के, उनके लिए प्रश्न पैदा होता है। सबसे जाति गरीब कौन है? माताएं कन्या माताएं सबसे जाति गरीब है, तो उनके लिए प्रश्न पैदा करना अच्छा है कि वो स्वर्ग में जाएंगी? सबसे पहले नई दुनिया में जाएंगी, नए संगठन में जाएंगी। अरे वो नहीं जाएंगी तो कौन जाएगा? हाँ ये हो सकता है कि जैसे यज्ञ की आज में हुआ, बंधन में डाला गया, कन्याओं को भी डाला गया, माताओं को भी डाला गया, साथ साथ तालों में डाला गया, डालने वालों ने तो हद ही कर दी, छोड़ा ही नहीं। फिर जब बंधन में डालने की अति हो गई तो रिजल्ट क्या आया? बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब खून खराबा शुरू हो गया, अपनी अपनी जान लेकर के भाग गए, तो जो बांधेली थी वो क्या हो गई? छूटेली हो गई। और जिनको जहां जाना था वहां चली, जो आज में हुआ वो अंत में भी होगा। इसलिए धीरज धर बनुआ धीरज धर, धीरज इसलिए था कि जो 63 जन्मों के पाप कर्म हैं, पुरुष जन्म लिए हैं, दाढ़ी पूछ वाली माताएं भी पिछले जन्म में बनी थी कि नहीं बनी थी?
है बड़ी थी, तो जब दाढ़ी मूंछ वाली बनी थी तो जैसा आदि उनके साथ किया जाता है उससे कई गुना उन्होंने अपने साथियों के साथ किया, कई गुना इसलिए कि अभी बांधेली माताओं को तो संबल मिला हुआ है, आधार मिला हुआ है बाप का, और वहां तो बेचारों को कोई आधार नहीं था। तो जिनको कोई आधार नहीं था उन पतियों के ऊपर दया कर दो। फेरी के चित्र में जो सौरभ का गोला दिखाया उसके अंदर चार कुमार और तीन कुमारी दिखाया और एक कुमार को पीछे छुपा हुआ दिखाया, तीन कुमार को जैसे कि चोर होता है छुपता है कि सामने आता है। सहयोग की शक्ति सौरभ में तो सब प्रवृत्ति होगा, उनको एक सहयोग नहीं दिखाया, मतलब तीन ही माताएं दिखाई, मतलब तीन कुमार स्वर्ग दिखाया जाता है वो दिखाने के लिए बाबा संपूर्ण स्वर्ग की बात करते हैं कि अधूरे स्वर्ग की बात करते हैं, वो संगम युग की बात है या वहाँ की बात है बीस जन्मों की संगम युग की बात है। तो संगम युग में जो चोर होता है वो अपने को छुपाता है। अच्छा बाबू बताया था कि आदि में जो चार कुमार निकले थे 76 में बाप को प्रत्येक चार कुमार जो फाउंडेशन बड़ा था उसमें तीन तो शादी किया और एक बगैर शादी का था, जो एक बिगड़ शादी का है वो सन्यासियों का मुखिया है, जितने भी विधर्मी धर्म पिता है वो सब सन्यासी है और उनका जो मुख्य बीज है वो ही भीष्म पितामह हाँ जी। अभी तुम्हें नाभि का पता ही नहीं चला, वो नाभि कौन सी है, ब्रह्मा जो नंबर उसकी बुद्धि विष्णु की नाभि में ब्रह्मा की नाभि का भेद है, उसको बताया कि वो विष्णु विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अब विष्णु कोई एक व्यक्ति तो है नहीं, वो तो समुच्चय है, पांच आत्माओं का स्वभाव संस्कार का मेल है जिसको विष्णु कहा जाता है। वो 16,000 नशे नारियां जिनमें 8,000 हैं गंदा खून बहाने वाली और 8,000 हैं स्वच्छ खून बहाने वाली, खून कौन सा है, संकल्पों का खून। तो गंदा खून बहाने वाली कौन सी है, रुद्रमाला। और क्या खून बहाने वाली कौन सी है, विजयमाला। दोनों का मेल कहाँ होता है, है? अरे शुद्ध खून बहाने वाली नारियां 8,000 और अशुद्ध खून काला खून बहाने वाली नारियां 8,000, उन दोनों प्रकार की नारियों का मेल कहाँ होता है, हार्ट प्योरीफाई करता है गर्ली वो तो बाद में, मेल होता है नाभि में, अभी भी बोला हुआ है अव्यक्तवाणी में। रुद्रमाला के मणके मजबूरी से आपस में मिले हुए हैं, क्या ये उनकी मजबूरी है, कोई न कोई किसी की कोई मजबूरी, किसी की कोई मजबूरी, किसी की क्या मजबूरी, बाकी दिल से मिले हुए नहीं। क्या बाबा के उसमें भी दिल से आता रहता है, सबसे बड़ा मजबूरी बाबा के कारण।
भले बाबा के कारण मिले हुए हैं, एक बाबा की स्नेह है उसमें भी, निराकार से स्नेह है या साकार से भी स्नेह है, है? नहीं, अगर दोनों से समान रूप से स्नेह हो जाए तो कभी अनिश्चय आवेगा ही नहीं, लेकिन सबको निश्चय अनिश्चय का चक्कर चलता रहता है, इसलिए आपस में मिले हुए नहीं कहेंगे। तो आखिर कभी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। कब मिलेंगे? हाँ, जो बता दिया, क्या करो? विजय माला का आवाहन करो, प्योरिटी होगी तो मिलेंगे, मेल होगा, यूनिटी बनेगी, नहीं तो यूनिटी बनने वाली नहीं है। तो नाभि कुंड है जिसमें पीयूष बहता है, अमृत रस भरा हुआ है प्योरिटी का। चोर के बारे में है? कौन है वो जो छुपा हुआ कुमार ऐसा देखा जाए तो मुसलमानों ने जो चोरी डकैती की, मारपाट की, वो छुपे हुए चोर थे या प्रत्यक्ष चोर डकैत थे? छुपे हुए थे, प्रत्यक्ष। तो मारपाट सामने आकर की, उनको छुपा हुआ चोर डकैत कहेंगे नहीं? और उनके मुकाबले क्रिश्चियन खुद छुपे हुए चोर हैं, चोर भी हैं, डकैत भी हैं, और अभी भी दुनिया में चोरी डकैती कर रहे हैं, दुनिया वालों को पता ही नहीं है, घात कर देते हैं, तो उनका बीज कौन है? बीज कोई होगा या नहीं होगा? बीज है। विजय माला का आवाहन कैसे करें? क्या कभी माउंट आबू गए? नहीं गए। अच्छा, आपके संगी साथ भी माउंट आबू गए होंगे? अरे बीजे में नहीं गए कभी? आप डायरेक्ट आ गए? अच्छा, तो जो बीके में जाने वाले हैं उनसे पूछो कि जब माउंट आबू गए थे तो ब्रह्मा बाबा का आवाहन कैसे करते? गीत चला दो। हाँ जी। अच्छा, तो आप गीत चला के आवाहन करें विजय माला का? हाँ करते हैं बाबा। अगर बाई चांस वहाँ गीत न चले तो आवाहन करना बंद कर देते क्या? नहीं करते ना, आवाहन करते हैं ना, याद करते हैं ना, ब्रह्मा बाबा का आवाहन कर लेते हैं कि नहीं कर लेते? कर लेते हैं। तो जैसे ब्रह्मा बाबा को लोगों ने नहीं देखा है लेकिन आवाहन करते हैं, तो ऐसे ही विजयमाला मना, जिसको विजयमाला को बाबा ने छोटी शहद की मक्खियों का झुंड बताया है, तो शहद की मक्खियों के झुंड का आह्वान माना विजय माला का आह्वान कैसे किया जाता है दुनिया में? रानी मक्खी को ले आए और आह्वान हो गया। तो पहले काम मनसा से शुरू होता है, कि पहले वाचा से होता है कि पहले कर्मेंद्रियों से होता है? पहले मनसा का बीज डाला जाता है, और वैसे भी बाबा ने कहा है कि सिद्धि मनसा सेवा से होगी, मन के मौन से नई रंगत निकलेगी,
कि देखे मन बुद्धि से ब्रह्मा बाबा को आह्वान कर लिया और वो आ जाते हैं। वो तो सूक्ष्म मतरवासी है और विजयमाला का हेड तो साकार दुनिया में है या सूक्ष्म मतरवासी है? साकार दुनिया में है। वहां तो वाइब्रेशन जल्दी पहुंचेंगे या देर से पहुंचेंगे? हैं? जल्दी पहुंचेंगे। एक बाप पूछना नहीं कोई बताएगी माँ की भी बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? हैं? मुरली में क्या बोला है? माँ की भी बात माननी चाहिए, लेकिन ये देखना है कि माँ ने जो बोला है वो श्रीमत के वर्गिलास तो नहीं है। श्रीमत तो कहती है, क्या कहती है कि बाप तो प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करने आया है। प्रवृत्ति मार्ग ही नहीं, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करने आया है। तो जिनको कहा गया है कि विजयमाला का आवाहन करो, वो अपने दिल के अंदर झांक के ये देखें कि ब्राह्मण परिवार में, एडवांस की दुनिया में, रुद्रमाला के परिवार में जो हमारा बाप है वो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में है या पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में है? पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में है। बाप विदेशी बन के आया हुआ है या स्वदेशी बन के आया हुआ है? विदेशी बन के। फिर है? एवर प्योर है। एवर प्योर बिंदी के रूप में है या साकार के रूप में है? हाँ, वो उसके ऊपर लेप छेप तो नहीं लगेगी, लेकिन ऐसी स्टेज है जो बैल के ऊपर सवारी करे। राम को राम करना है। अब राम अलग हो गया। राम के बगैर उस निराकार का काम चलेगा? नहीं। अरे रख है, जहाँ चाहे वहाँ गड्ढे गुड्ढी में भागता फिरे, ये सारथी का काम हुआ है? नहीं हुआ ना। और राम है विजय माला का आह्वान करो, ये रंग मत है। मत दी ना माने, अव्यक्तवाणी में मत दी कि विजय माला का आह्वान करो, ये माँ की मत है। तो क्या वो अरे खुल के बोलो ना, क्या बात है? सवाल ये है कि एक बाप दूसरा ना कोई, दूसरा के बारे में कंफ्यूज हो रहे। दूसरे के बारे में क्यों कंफ्यूज हो रहा है? माने वो माँ नहीं है? माने वो वैष्णवी शक्ति नहीं है? वो विष्णु देवता नहीं है? विष्णु देवी का प्रैक्टिकल रूप नहीं है? जिसको आवाहन करने की बात की गई उसको पहचाना नहीं है? पहचाना है? पहचाना है ना? हाँ कहेंगे ना, ना कहेंगे पहचाना है। जब पहचाना है तो तीन मूर्तियों में से जो दो मूर्तियां हैं उनको पहचान लिया, बाप को भी पहचान लिया और ब्रह्मा को विष्णु को भी पहचान लिया। तो अम्मा को जब पहचान लिया कि ये माँ है जो असली माँ है, भारत माता है। क्या? जगत माता नहीं है, क्या है? भारत माता है। जिस भारत में भगवान आते हैं, जिस भारत में स्वर्ग स्थापन होता है, जगत में स्वर्ग स्थापन नहीं होता। तो जब भारत में भगवान आते हैं, भारत में ही स्वर्ग स्थापन होता है, भारत माता कहा जाता है, भारत पिता नहीं कहा जाता। तो आवाहन करने में शर्म आ रही है? नहीं।
कैसे पैदा हो रहा है? उस माता के बगैर प्रवृत्ति पक्की होगी? प्रवृत्ति में मजबूती आएगी? कोई में ताकत है? कोई और हानि भर सकता है? कि हम साथ में रहते हुए कोई भी कर्म करते हुए ऊंचा नीचा हम बाप के बल करके रहेंगे, बाप की याद में रहेंगे, और कोई भी याद हमको नहीं सताएगी, नहीं आएगी। उस एक माँ के अलावा और किसी में इतनी ताकत है नहीं है, तो आह्वान करने में क्यों शर्मानी चाहिए? सबसे पैदा होना चाहिए हमेशा के लिए, थोड़े ही है, थोड़े टाइम के लिए। जैसे पहाड़ पे चढ़ते हैं, जोर से तूफान आ गया तो क्या चढ़ते ही चले जाते हैं या शरणागति लेते हैं कहीं गुफा की? शरणागति लेते हैं ना। तो ठीक ऐसे ही यहाँ भी जोर से तूफान आया हुआ है, वो तूफान सारी रुद्रमाला को गड्ढे में गिरा रहा है, हिरण्याक्ष सारी पृथ्वी को कहाँ ले जा रहा है? पाताल में ले जा रहा है, गड्ढे में ले जा रहा है, कोई थम नहीं रहा है। काशी नगरी थम रही है लेकिन स्वर्ग तो नहीं बना रही। जो थम रही है वो स्वर्ग बना रही है या स्वर्ग का फाउंडेशन डाला जा रहा है? फाउंडेशन डाला जा रहा है। फाउंडेशन भी गड्ढे में डाला जाता है या ऊपर डाला जाता है? गड्ढे में डाला जाता है। दुनिया की नजरों से छुपाया जाता है या प्रत्यक्ष किया जाता है? जैसे आज मकान बनते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, तो चारों तरफ से क्या कर देते हैं? छुपा देते हैं। स्वर्ग नहीं स्थापन हो रहा है, सिर्फ स्वर्ग का फाउंडेशन डाला जा रहा है। स्वर्ग का फाउंडेशन डालना अलग बात और स्वर्ग बनाना अलग बात। वो किसका काम है? वो भारत माता का काम। जैसे भारत शब्द पिता के लिए यूज होता है, अंदर से समझने की बात है कि भारत माता है तो पिता भी जरूर होगा। भारत माता कोई विधवा तो नहीं होगी, लेकिन पिता ने अपने को गुप्त किया है। कारोबार संभालने के लिए किसको प्रत्यक्ष किया? माताओं को प्रत्यक्ष किया। तो भारत माता जो है वो सामने आनी चाहिए, प्रत्यक्ष रूप में सामने होनी चाहिए, तभी स्वर्ग की स्थापना होगी, तभी ब्रह्मा को विष्णु कहा जाएगा। नहीं तो जो हमारा लक्ष्य है ब्रह्मा को विष्णु, तो ब्राह्मणों को भी कौन सी स्टेज धारण करनी है? ब्राह्मण ही बनते रहेंगे क्या? लेकर पक्के ब्राह्मण तो पक्के वैष्णव तो पड़े। नहीं बोल देंगे सर। हाँ बोलो। हाँ गुरु बनाता है। हाँ परशुराम जब उसकी गोद में विश्राम कर रहे हैं तो करण को भी छुपाता है। हाँ तो परशुराम ने उसको ये तो नहीं कहा कि मैंने क्या था आपने जीत किया, बल्कि उसको शराब बोल देते हैं। हाँ शराब दे देता है कि जब शिक्षा काम शिक्षा की ज्यादा जरूरत पड़ेगी तुमको तो तुम्हारी शिक्षा काम नहीं आओगी। हाँ तो बेटा अब ये है कि गुरु के साथ सच्चा बोलना चाहिए या झूठा बोलना चाहिए? तो करण सच्चा बोला? उसको तो पता ही नहीं था बाबा तक तो। पता नहीं था, वो जानता नहीं था कि मैं सूत पुत्र हूँ। सूत पुत्र ही बता था। हाँ तो बताना चाहिए ना कि हम सूत, सूत ने हमको पाला है, मैं नीच हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। उसने ये कहा कि आप क्षत्रिय सहन कर सकते हैं। क्षत्रिय जो है ना
वो क्षत्रिय में नहीं था, कौन था? पुत्र उसको पाला किसने? सूत पुत्र ने पाला, दासी पुत्र था। सूत उसे कहा जाता है जो राजा का रथ चलाता है, दास का सूत है। बाबा मुझे उसको यही बताना कि मैं क्षत्रिय नहीं हुआ ना, वो गुरु को सुतपुत्र ही बताया था, लेकिन गुरु ने कहा इतनी सहनशीलता सुतपुत्र में नहीं हो। अरे तो वो गुरु कोई भगवान थोड़े ही था जो अंतर्यामी था। गुरु भगवान था या मनुष्य था? है वो भी परशुराम को तो चार कला का ही भगवान माना जाता है। अरे भगवान तो सोलह कला संपूर्ण से भी ऊपर होता है या कलाओं का नाम होता है? तो वो मनुष्य गुरु था, कौन? परशुराम। वो बात को उसका अर्थ का अनर्थ भी कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। असली बात नहीं मालूम न वो बता सकता। और आखिरी मणिके को पाप का पता चल गया है। हाँ बदल, आप आखिरी मणका किसको समझते हैं? और कौन सी माला का बात आपकी बुद्धि में है? अभी तो पहले पहले तो रुद्रमाला तैयार होती है ना, तो रुद्रमाला में फर्स्ट मणका कौन सा है और लास्ट मणका कौन सा है? दोनों ही मणके शिव के नजदीक है। लास्ट मणका कौन सा है? जगदम्ब। और फर्स्ट मणका जगत पिता। हाँ तो प्रत्यक्ष नहीं हो गया? प्रत्यक्ष हो गया। बाबा रामायण में वो जो तीन माताएं बताए, रामायण में राम की जो तीन माताएं बताए, उनका पाठ यहाँ पे भी इस समय किस पे लागू होता है ज्ञान के आधार में? वो तो टाइम टाइम की बात है, लास्ट में जाकर के असली प्रत्यक्ष होगा। हाँ दो गुरु, दो गुरु बनाए आपने? अच्छा मन करने आपने। अरे जब दो दो डबल डबल बना लिए तो क्यों नहीं उद्धार होगा? हाँ गुरु बनाया। हाँ अरे वो भी बनाया, दस साल हो गई। हाँ हाँ ठीक किया, उसके बाद बाबा मिल गया। हाँ फिर तीनों हो गए और क्या चाहिए? बस और राजा बनने वाली आत्मा। हाँ मैंने रुद्रमाला का पुरुषार्थ करने वालों में जो स्त्री चोले वाले हैं, तो वो स्त्री चोले वालों में कंट्रोल करने के संस्कार है कि नहीं? अंदर से देखो जरा, अंदर से देखो कि कंट्रोल करने के संस्कार है या नहीं है। अरे है या नहीं है? है? तो जिनमें कंट्रोल करने के संस्कार है वो ये तो जान गए कि हम भाव स्वभाव संस्कार के तो पुरुष हैं। कारण या कारण है, कोई पूर्व जन्म का ऐसा हिसाब किताब बन गया कि हमको इस जन्म में स्त्री चोला मिल गया, बाकी हमारी आत्मा भाव स्वभाव संस्कार से कौन है? जगदम्बा की भुजा है क्या? तो जो जगदम्बा की भुजाएं हैं वो पुरुष है, लेफ्ट हिस्ट हो या राइट हिस्ट हो में एक अलग बात, लेकिन रुद्रमाला में चाहे स्त्री चोले हैं भले तो भी क्या है? भाव स्वभाव संस्कार से पुरुष है। इसलिए जिनके भाव स्वभाव संस्कार
100% की स्टेज पर पुरुष चोले के बन जावेंगे तो दुनिया में भी हार्मोन्स चेंज होते हुए देखे जा रहे हैं। क्या दुनिया में हार्मोन्स जिनके चेंज हो जाते हैं वो स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री बन जाते हैं या नहीं बन जाते हैं? नहीं हो जाए। जिनके भाव स्वभाव संस्कार आत्मा में भरे हुए हैं पुरुष चोले के क्या बन जाएंगे? पुरुष रूप हो जाएगा। आत्मा स्त्री का भी पार्ट बजाती है और आत्मा पुरुष का भी पार्ट बजाती है। तो पार्ट के आधार पर संसार में साबित हो जाएंगे। ये तो राजा बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चियां नहीं है। क्या है, है? ये सब राजा बच्चे बैठे हुए हैं। बाबा स्त्रियों के बाल लंबे होते हैं और पुरुषों के बाल छोटे होते हैं, ये तो बनाए जाते हैं। आप कटवा दो छोटे हो जाएंगे। भाई लैंगिकता का भान जिसमें खत्म हो जाए, आत्मा बन जाए, आपके किससे संपन्न हो जाए तो उसे बाल रखने की दरकार होगी? है रखेगा कोई बता दी। राम की आत्मा लेकिन राम की आत्मा में बड़ा मन कौन सा बुद्ध है? फिर हाँ दो मन हो गए तो दो मन होते नहीं हरेक के अंदर। एक मन कहता नहीं भैया ऐसा करें, एक मन कहता नहीं चोरी करना खराब काम है, नहीं चोरी नहीं करें साहूकारी करें। दोनों मन को जितना राम का सिखाते ना, दोनों बैलों को दोनों बैलों पर ट्राई करेगा राम का। हाँ करता है या नंबर वन करता है? हाँ क्योंकि राम वाली जो आत्मा है वो अपने मन के ऊपर जीत पाई हुई आपको दिखाई नहीं पड़ती है, नहीं दिखाई पड़ती है, इसलिए आप प्रश्न कर रहे हैं। जिनको दिखाई पड़ रही है कि राम वाली आत्मा ने मन को जीता है, औरों के मुकाबले ज्यादा जीता है या कम जीता है? ज्यादा जीता है। जब ज्यादा जीता है तो अपने ऊपर कंट्रोल करने की उतनी बात नहीं ठहरती है। कौन सी बात ठहरती है? ब्रह्मा वाली जो आत्मा है जो असली मन का पार्ट बजाने वाली है उसको कंट्रोल करने की बात है। संपूर्ण रूप से राम की आत्मा भी अपने मन को भी कंट्रोल नहीं किया और तो ज्यादा कर रखा है, ज्यादा एक है बड़ा मन और एक है छोटा मन, तो कौन किसके ऊपर विजय पाने वाला हुआ? तो फिर इसमें कोई नई बात हो गई क्या? और बाबा लक्ष्मी नारायण के जिसमें लक्ष्मी के बाल तो लंबे दिखाए हैं और नारायण के छोटे दिखाए हैं, उसका क्या है? जिसमें प्योरिटी ज्यादा होगी वो ज्ञान को ज्यादा धारण करके दिखाएगा, या जिसमें प्योरिटी ज्यादा नहीं होगी वो ज्ञान को ज्यादा धारण करके दिखाएगा? ज्यादा कौन धारण करके दिखाएगा? जिसमें प्योरिटी ज्यादा होगी वो ज्ञान को ज्यादा धारण करके दिखाएगा, प्रैक्टिकल धारण करके दिखाएगा। रावण था, ज्ञानी था, ज्ञानी था, ज्ञानी था, फिर कर्म उल्टे करता था, ज्ञान युक्त करता था या ज्ञान के विपरीत कर्म करता था? उल्टे कर्म करता था, इसलिए ज्ञानी होते हुए भी वेद शास्त्र तो उसके हाथों में दिखाते हैं लेकिन सच्चा ज्ञानी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल कर्मों में ज्ञान नहीं समाया हुआ था, इसलिए राम वाली आत्मा के लिए भी बोला है राम ही तो क्या बन जाता है, रावण बन जाता है, ऐसे नहीं बोला। कि सीता रावण बन जाती बोला क्या है? नहीं, किस समय के लिए बोला बाबा? राम के लिए किस समय के लिए बोला? रावण
जब सारी आत्माएं का ग्रुप नीचे उतर आता है, हर धर्म की आत्माओं का ज्यादा से ज्यादा तबका नीचे उतर आता है, जो नास्तिक वर्ग की आत्माएं लास्ट वाली है, उनका तामसी पूर्व भी नीचे उतरना शुरू हो जाता है। तब उन आत्माओं को कंट्रोल कौन करेगा? लोहे को लोहा काटता है, विष को विष मारता है। तो जो दुनिया की बड़े से बड़ी तमोप्रधान आत्माएं, बड़े से बड़ी बुद्धिशाली आत्माएं, बड़े से बड़ी क्रूर आत्माएं, बड़े से बड़ी दुष्ट आत्माएं इस शक्ति पर उतर आवेंगी। क्योंकि हम जानते हैं कि एटम बमों की रचना किसने की, कौन से धर्म ने की? भगवान के बच्चों ने नहीं की, जो धर्म को मानते ही नहीं उन नास्तिकों ने की, जो बुद्धि के बड़े प्रतिभाशाली है, जो दुनिया में ये बात ये भाव फैला देते हैं कि भगवान भगवान कुछ नहीं, हम ही भगवान हैं, हम चाहे तो एक सेकंड में दुनिया को तलाश कर सकते हैं। तो ऐसों का बाप चाहिए या नहीं चाहिए? है? चाहिए। आप बनने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? आप हो ना। अच्छा, इसके लिए आप हो ना। तो इसलिए मुरली में एक वाक्य आया हुआ है, इस समय भारत पूरा नास्तिक है। क्या क्या है? पूरा नास्तिक। कैसे? अपने अलावा किसी के ऊपर आस्था नहीं है ना। साकार में कोई भी व्यक्ति विशेष को इस दुनिया में वो आत्मा भाव रखने वाली नहीं है। तो नास्तिक हुआ या आस्तिक हुआ? है नास्तिक। किसी के ऊपर आस्था है तो आस्तिक, और किसी के ऊपर आस्था नहीं तो नास्तिक। तो क्या करना पड़े? राउंड ढूंढना पड़े, रावण बनना पड़े, राम को, राम को रावण बनना पड़े, वो तो बनेगा ही। जब पहले नंबर का ब्राह्मण कौन? प्रजापति का। जो ब्राह्मण है तो पहले नंबर का देवता कौन? प्रजापति। जो पहले नंबर का देवता है तो पहले नंबर का क्षत्रिय, जो पहले नंबर का क्षत्रिय तो पहले नंबर का वैश्य, जो पहले नंबर का वैश्य तो पहले नंबर का शूद्र। तो शूद्रों का मुखिया कौन हुआ? वो बात भी साबित होगी या ऐसे ही कहने में आ जाएगी? प्रैक्टिकल में साबित होनी चाहिए। हाँ, लास्ट में हो, ये बात दूसरी। आह्वान करने मैंने याद करना हो गया, आह्वान करना मैंने याद करना होगा ना? आह्वान करना याद करना नहीं होता है, आह्वान करना मैंने बुलाना। किसी को बुलाने का मतलब याद करना नहीं होता है। हम बाप की याद से भी किसी को बुला सकते हैं? नहीं। बाप की याद में हम किसी को आकर्षण कर सकते हैं या नहीं? है? तो ये तो नहीं कि बुलाना माने याद करना हो गया। साकार में जैसे एक्यूरेट त्रिमूर्ति का फोटो मान लीजिए हमारे पास है, अगर है? साकार में एक्यूरेट त्रिमूर्ति का फोटो अगर हमारे पास है तो उसको अगर बनर की क्या बात है? नहीं, जैसे ये किताब है मैं उसके एक्यूरेट त्रिमूर्ति का जिसको चाह उसको रख, उसका फोटो बना करके और वो अगर सेवा किया जाए तो वो सर्विस का आ जाएगा? बाबा ने
ब्रह्मा का फोटो रखने के लिए मना कर दिया या हाँ कर दिया? तो श्रीमत के खिलाफ बात करने वाले को रावण संप्रदाय समझो। अरे बोलो ना, जब राम ही रावण बनता है तो रावण संप्रदाय बनते हैं, उनको क्या मुसीबत? वो भी नहीं बनेंगे बच्चे को जाना पड़ता है, बच्चे को तो जाना ही पड़ता है, क्या करेंगे? इधर कुआ है, इधर है खाई, कहाँ जाएंगे? पर्चे पे पर्चे देते जा रहे हो, पर्चों का बाप आ गया, 2 घंटे हो गए बाबा। आदि में ओम मंडली गई की गई, इसकी शूटिंग हो गई, अंत में कैसे होगी? ओम मंडली गई की गई तो अंत में सन 36 में ओम मंडली गई की गई होगी कि नहीं होगी कि चलती रहेगी? है हो आ गया समझ में, ये भी टाइम आएगा। चल